अंजलि अंजलि, मेरा बैग पैक हुआ कि नहीं? हाँ बस आ रही हूँ। अरे बाबा जल्दी लाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये लीजिए आपका बैग पैक हो गया। अच्छा सुनिए ना, मैं क्या बोल रही थी। हाँ बोलो। आप तो दिन भर ऑफिस चले जाते हो और मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो मैं पूरे दिन बोर हो जाती हूँ। और मैंने आपसे कहा था ना कि कोई ऐसी जगह पे घर लो जहाँ पे आसपास में कोई हो। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, पूरे दिन बोर हो जाती हूँ मैं। अरे बाबा अगर बोर हो जाती हो तो टीवी देख लिया करो। क्या कह रहे हो, टीवी देखूं? टीवी पूरे दिन देखती रहूं मैं, कितना टीवी देखूं? पूरे दिन टीवी देख देख के पक जाती हूं मैं। अच्छा मैंने सुना था कि तुम शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाती थी। हाँ तो क्यों ना वापस ट्यूशन स्टार्ट करो, इससे तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा और तुम बोर भी नहीं होगी और बच्चों के साथ तुम्हारा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। हाँ ये भी सही है, पर ट्यूशन के बच्चे आएंगे कहाँ से? मैं तो यहाँ पे आसपास किसी को जानती भी नहीं हूँ। ये भी सही है, बच्चे आएंगे कहाँ से। अच्छा तुम बोल रही थी ना कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है निशा, तुमने मुझे बताया था कि निशा कहीं यहीं आसपास रहती है। हाँ हाँ यहीं कहीं सोसाइटी में रहती है, अगर तुम उससे पूछ लो तो। हाँ वो निशा भी तो यहीं रहती है पास में ही। हाँ तो उससे पूछ लो, यहाँ आसपास तो उसके कांटेक्ट में बहुत सारे लड़के होंगे, उससे पूछ लो, वो अरेंजमेंट कर देगी। हाँ ये बात भी सही है। ठीक है तुम आज ही निशा से बात कर लो और ट्यूशन स्टार्ट कर दो। और हाँ एक बात सुनो, बच्चों से फीस मत मांगना ठीक है। मैं परमिशन इसीलिए दे रहा हूँ कि तुम बोर ना हो। जी ठीक है। तो निशा से बात करके फटाफट स्टार्ट कर दो ठीक है। एंड थैंक यू सो मच कि मुझे आपने फिर से बच्चों को पढ़ाने की परमिशन दे दी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मैं तुमसे पहले ही कहने वाला था, सो डोंट वरी। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ और अपना ख्याल रखना, चलो बाय बाय। वैसे इन्होंने आइडिया तो काफी अच्छा दिया, इसी बहाने मुझे फिर से बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलेगा और मैं बोर भी नहीं होंगी। निशा से बात कर लेती हूँ एक बार। हाय निशा कैसी है? मैं तो बढ़िया हूँ कमीनी, इतने दिनों बाद कैसे याद किया, जैसे याद आ गई आज। अच्छा सुनना मुझे ना तुझसे एक काम था। यार मैं ना फिर से ना बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। वो सब तो ठीक है लेकिन तेरे हस्बैंड मानेंगे? हाँ यार उन्होंने तो बोला मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए। वाओ यार क्या बात है, मतलब शादी के बाद भी पति के साइड से पूरा फ्रीडम है तुझे, बट इसमें मैं क्या तेरी हेल्प कर सकती हूँ? देख मैं ना यहाँ पे नई हूँ तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ, पर तेरे कॉन्टेक्ट में तो बच्चे जरूर होंगे ही, तो करना कुछ झोल, मैं उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ। सो वैसे तो फीस क्या लेगी? और मेन बात तो ये है कि मैं उनसे फीस भी नहीं लूंगी, फ्री पढ़ाऊंगी। अरे वाह फ्री में? हाँ तो यार उल्टा तू मेरी हेल्प कर देना, तू एक काम कर तू मेरे देवर को ही पढ़ा देना। क्यों तेरा देवर छोटा है क्या? अरे नहीं यार है तो वो वैसे बट कुछ कंडीशन की वजह से वो फेल हो गया था, उसका कुछ हेल्थ इशू था और फैमिली इशू था, सो इसलिए वो 2 साल से अपना सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पा रहा है। हाँ चल ठीक है ये भी सही है। अच्छा अच्छा तो फिर ठीक है, मैं देवर को कब भेजूँ तेरे पास? एक काम कर तू आज ही भेज दे, मैं देख लेती हूँ उसे कि कितना आता है और कितना नहीं आता। लेकिन तेरा प्रॉमिस याद है ना, फीस नहीं लेगी तू? अरे नहीं बाबा नहीं लूंगी। अच्छा चल ठीक है मैं उसे तेरा एड्रेस भेज देती हूँ। ठीक है बाय।
चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कब आता है उसका देवर। जी नमस्ते मैडम। जी आप कौन? मैडम मैं चिंटू। चिंटू? हाँ वो निशा भाभी का देवर। अच्छा निशा, मतलब तुम निशा के देवर हो। जी आओ। थैंक यू मैडम। अरे बैठो। वैसे चिंटू तुम्हारा पेट नेम है या तुम्हारा नाम ही चिंटू है? मैडम मेरा नाम ही चिंटू है। ओहो। और सब लोग मुझे चिंटू ही बुलाते हैं। वो क्या है ना मैडम, मेरे भैया भाभी मम्मी पापा सब लोग मुझे चिंटू बुलाते हैं प्यार से। अच्छा तो कौन सी क्लास में हो तुम? मैडम मैं 10वीं में। अच्छा अच्छा 10th में। जी मैडम। लाओ अपनी बुक दिखाओ। हाँ। हाँ चिंटू, सच में तुम पढ़ाई में बहुत वीक हो, काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। जी मैडम। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पास हो जाओगे तुम फिर। करोगे ना मेहनत? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा। वेरी गुड। वैसे डिक्शनरी है तुम्हारे नहीं, पास? नहीं मैडम नहीं है। कोई नहीं, तुम रुको मैं लेके आती हूँ। ये लो चिंटू डिक्शनरी। और इसे ना अच्छे से रोज पढ़ना, इससे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। जी मैडम। लाओ नोटबुक। समझ में आया चिंटू? जी मैडम। ओके। और हर रोज याद करके इसे पढ़ना, ठीक है? ओके। और जो होमवर्क दिया है करके आना। हाँ ओके। तो आज की क्लास तुम्हारी खत्म हो गई। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे आ गए आप। कौन था ये? वो आपने बोला था ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बस ये स्टूडेंट था, निशा का देवर है। अच्छा निशा का देवर है। अंजलि मैंने तुम्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला था, बड़ों को नहीं। पर क्या फर्क पड़ता है बच्चा हो या बड़ा, और ये ना 10th में 3 से 4 बार फेल हो चुका है।
इसलिए निशा ने बोला कि मैं उसे पढ़ा दूं। अब मैं ना थोड़ी ना कह सकती हूँ। अंजलि ये बात नहीं है। एक तो मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ और अगर इतने बड़े लड़कों का घर में आना जाना रहा तो सभी आस पड़ोस के लड़के लोग क्या सोचेंगे? कभी सोचा तुमने इस बारे में? और अंजलि तुम जानती हो कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। अच्छा, मतलब आपको अड़ोस पड़ोस वालों की चिंता है, मेरी नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है। मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, उसका क्या? अंजलि तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में कोई जवान लड़का अगर घर पे आता है तो तुम ये नहीं जानती कि सोसाइटी वाले किस किस तरह की बातें करते हैं, और उनका तो मुंह नहीं बंद कर सकते ना। ये लोग गलत गलत तरह की बातें करके तुम्हें गलत ठहराएंगे। अच्छा, वो मुझे गलत ठहराए, लेकिन आप तो मुझे गलत नहीं समझते ना। आपको तो मुझ पे भरोसा है ना? हाँ बाबा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और वैसे भी मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, बड़ों को क्यों? अरे नहीं मिल रहे बच्चे तो इसमें मैं क्या करूँ? वैसे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, पर मेरा सोचो, मैं घर में दिन भर बोर हो जाती हूँ और उसको पढ़ाने के बहाने थोड़ा मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाता है मेरा। पर नहीं, आपको क्या है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेरी नहीं पड़ोसी की चिंता है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, और वैसे भी इस बारे में मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम पढ़ाना चाहती हो तो पढ़ाओ, लेकिन हाँ थोड़ा सावधानी से। जी ठीक है। तो ठीक है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तो खाना लगा दो। चलो ठीक है। नमस्ते मैडम। अरे चिंटू आ गए। जी मैम। ये लो अपनी किताब में रखो इसे। ये क्या है मैडम? इसे विद्या का पेड़ कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से कहा जाता है कि बच्चे अगर इसे अपनी किताब में रखे ना तो उससे उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है और नॉलेज भी बढ़ती है। अच्छा, मतलब मैं पास हो जाऊंगा? हाँ जरूर, क्यों नहीं, अगर तुम मेहनत करोगे तो जरूर हो जाओगे। तो करोगे ना मेहनत? जी मैडम। तो चलें? हाँ। अरे वाह चिंटू, तुमने तो इस बार बड़े अच्छे से कर लिया होमवर्क। इट्स ग्रेट, वेरी गुड। थैंक यू मैम। अगर इसी तरह से पढ़ते रहे ना तो जरूर पास हो जाओगे। थैंक यू मैडम। वेलकम। अच्छा चिंटू, एक काम करो, तुम इसे फिर से रिवीजन करो, तब तक मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है मैडम। ओके। अच्छा मैडम सुनिए ना। हाँ बोलो। मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है क्या? ठीक है, मैं अभी लाई। यार ये मैडम इतनी सुंदर है, और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये मुझे ना पसंद करती है, वरना यार ऐसी कौन सी औरत है जो रोज घर में ऐसा सजती और सवरती है, मेकअप करके रहती है। जरूर ये मैडम ना मुझे इम्प्रेस करने के लिए करती होगी ये सब,
और मुझे लगता है कि ये मौका शायद मुझे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्या पता मैडम के दिल में मेरे लिए प्यार हो पर वो बता नहीं पा रही है। लेकिन डोंट वरी मैडम, अपने दिल की बात बता के मैं आपके दिल का हाल तो जान ही सकता हूँ। ये मौका मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। अरे चिंटू, तुम यहाँ क्यों आए? मैं आई तो रही थी पानी लेके। वो मैडम, एक्चुअली मैं ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वापस से समझा दो। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? मैडम मैं ये कह रहा था कि हाँ बोलो। मैडम मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। क्या? जी मैडम, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलने से पहले? तुम यहाँ पे ये सब करने आते हो या पढ़ाई करने आते हो? लगता है तुम्हारा ना पढ़ाई पे नहीं इन सारी चीजों पे ध्यान रहता है, इसीलिए तुम फेल होते हो। अब देखो मैं तुम्हारी शिकायत कैसे तुम्हारी भाभी से करती हूँ। नहीं मैडम प्लीज, ये सब भाभी को मत बताइएगा। तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। मैडम प्लीज निकलो। और तुम्हें ना ये पढ़ाई वढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठे रहो। निकलो। मैडम प्लीज, ये सब मेरी भाभी को मत। मैंने क्या कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? निकलो यहाँ से। ठीक है ठीक है। आई सेड गेट आउट। मैडम प्लीज, भाभी को मत बताना ये सब। अरे जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। सही कहते थे वो कि मुझे बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं ही जिद्दी थी। अब मुझे क्या पता था कि ये ऐसा निकलेगा। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं ये सब? अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे ही डांटेंगे। उन्होंने तो पहले मुझसे कहा था कि बड़े बच्चों को मत पढ़ाओ, पर मैंने ही जिद की। तो कैसा रहा आज का कोचिंग? हाँ ठीक था। अच्छा सुनिए ना, मैं ये कह रही थी कि अब से मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? बस मैं नहीं पढ़ाना चाहती। अरे पर ये तो तुम्हारा ही फैसला था ना, और मैंने भी तो तुमको मना नहीं किया था, फिर अचानक तुमने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया? और वैसे भी तुम ही कह रही थी ना कि मैं घर पे पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। हाँ पर अब मैं नहीं पढ़ाना चाहती। अरे बाबा, पर क्यों नहीं पढ़ाना चाहती हो? वो एक्चुअली आपने उस दिन कहा था ना कि इतने जवान लड़के को मत पढ़ाओ, आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे, तो मैंने उस बात पे सोचा, तो फिर मुझे लगा था कि आप सही थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, और ये तुम्हारा फैसला है। हाँ लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मेरी बातों पे गौर किया। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तो फटाफट खाना लगा दो और मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है।